शोभिर देश का राजा, सौराष्ट्र का राजा रहुगण सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहा था और पालखी में बैठकर जा रहा था। चार कहार उसे ढो रहे थे। एक कहार बीमार हुआ और ढूंढते ढूंढते ये जड़ भरत मिल गए। कहा कि बहुत हट्टा कट्टा है। असल में जड़ भरत बहुत मोटे थे। जिसे टेंशन नहीं होता है वो हमारी तरह मोटे होते हैं और जिसे टेंशन होता है बिल्कुल बारीक होते हैं। जड़ भरत बहुत हट्टे कट्टे और मोटे थे, ये पालकी ढोने में बहुत ठीक है। जड़ भरत को लिया, चलो पालकी ढोना है, ठीक है चलो। जड़ भरत कभी भी ना नहीं कहते थे। पालकी ढोने में लगा दिया, परंतु जड़ भरत को तो पूर्ण ज्ञान था। रास्ते से चल रहे थे, नीचे चींटियां और चींटी इत्यादि आ रही थी। जैसे चींटी आती तो जड़ भरत उसे जंप लगाकर दो कदम आगे हो जाते। तो जड़ भरत आगे जाते तो तीनों कहारों को आगे जाना पड़ता था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। जड़ भरत नीचे देखकर चल रहे थे, चींटी देख रहे थे, तो ऐसे चींटी को देखकर दो छलांग, तीन पांव आगे छलांग लगा देते। तो राजा अंदर बैठकर डिस्टर्ब होने लगा, ये स्पीड ब्रेकर कहां से आ गया? कहा सरकार, ये जो नया कहार आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। फिर से कहा कि उसे सावधान करो, जरा देखो ये अंदर तकलीफ हो रही है। फिर से वो चलने लगे तो चींटी आ रही थी, जड़ भरत छलांग लगा रहे थे, सबको पालकी को लेकर छलांग। राजा रघुगण ने कहा कि ये किसी फुटबॉल टीम से लेकर तो नहीं आया इसको, क्योंकि फुटबॉल वालों को फुटबॉल को मारने की बहुत आदत होती है। जड़ भरत ऐसे ही करते रहे। अंत में रघुगण ने बुलाकर कहा, देखो अब की बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हारी खबर लूंगा। लेकिन फिर भी जड़ भरत तो अपने स्वभाव में स्थित थे। अंत में रघुगण जी क्रोधित हुए, क्रोधित होकर पालकी से उतरे और उतरकर जड़ भरत को कहा कि मैं तुमसे ये चाबुक देखते हो ना, इस कोड़े से मैं तुम्हें पीट डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जड़ भरत ने कहा, किसे मारोगे? अपने जीवन में पहली बार जड़ भरत शब्द बोले हैं और जो बोले हैं राजा रघुगण तो चरणों में गिर गए। जड़ भरत कहते हैं कि तुम मुझे मारोगे? राजन तुम कहते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। राजन मुझे ठीक होने की जरूरत नहीं है, ठीक होने की जरूरत तो तुम्हें है, क्योंकि मैं यहां पर पालकी ढो रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम गाड़ी में बैठकर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है। चिकित्सा की जरूरत मुझे नहीं, चिकित्सा की जरूरत राजन आपको है। किसे मारोगे? मुझे? मुझे आप न तो भूतकाल में मार सकते थे, न तो वर्तमान में, भविष्य में मुझे मारने वाला कोई है नहीं, क्योंकि नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, कोई काट नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। राजन जड़ भरत जी ने बहुत बहुत उपदेश दिया। राजा जा रहे थे गंगा सागर कपिल देव के पास, लेकिन यहां जड़ भरत के चरणों में गिर गए। प्रभु अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप ही ज्ञान दे दीजिए। लेकिन जो राजा रघुगण के मुख से एक श्लोक निकला है, राजा रघुगण जड़ भरत के चरणों में गिरकर कहते, मैं तो समझा कि तुम शूद्र हो, मैं तो समझा कि तुम कहार हो, परंतु आपकी वाणी से लगता है कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो। बताओ तुम कौन हो? हे जड़ भरत जी बताओ तुम कौन हो, क्योंकि आप वैष्णव तो नहीं हो। इस संसार में मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्रात 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, न अग्नि अर्क सोम, न तो अग्नि अर्क सोम किसी से नहीं डरता हूं, परंतु मैं वैष्णव अपराध से बहुत डरता हूं। कहीं आप वैष्णव तो नहीं हो? कहीं मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है? जड़ भरत ने अपना पहचान दिया और पहचान दिया राजा रघुगण जड़ भरत से दीक्षा लिए और दीक्षा लेकर जड़ भरत से ज्ञान लेकर वहीं से भक्ति करने के लिए चले गए। जड़ भरत चरित्र सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी भवाटवी का वर्णन किए। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी इस संसार में जितने भी लोक है सभी लोक लोकांतर का वर्णन करते गए। उस लोक लोकांतर के वर्णन में जम्बूद्वीप का वर्णन किए।
और इस पृथ्वी सहित सभी लोगों का वर्णन किए, अतल वितल तलातल पाताल रसातल, और कहने लगे सभी लोगों में सभी प्रकार के जीव रहते हैं। जितने भी लोग हैं सब, ये जीव की संख्या केवल पृथ्वी में ही नहीं है, सभी लोगों में जीव रहते हैं। वास्तव में आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी में ही जीवन है, और वे कहते हैं कि हम लोग मंगल में जाकर आए, मंगल में कोई जीव नहीं है, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा किसी भी योनि नहीं है। और यहां तक कहते हैं कि वहां पर इसलिए जीव नहीं क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, वातावरण न होने के कारण वहां पर जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। परंतु वह मूर्ख लोग इतना नहीं जानते हैं, वे प्रूव करने के लिए फोटो खींच कर आए हैं अपना। तो सबसे पहली बात, जहां वातावरण नहीं होता है वहां फोटो नहीं खींच सकते हैं, ये पहली बात। और मान लीजिए यदि फोटो खींच भी ली जाए तो उन्होंने जो जो फोटो खींचा है और जो फोटो दिखाते हैं उसमें उसी के पीछे जो अपना झंडा गाड़े हैं वो झंडा लहरा रहा है। आप देखेंगे कभी भी मंगल में जो लोग जाकर आए हैं, अपना फोटो लेकर आए हैं, अपना झंडा गाड़ कर आए हैं, वो झंडा लहरा रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं वहां पर वातावरण नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, इसका अर्थ है ये लोग मंगल पे तो गए ही नहीं, किसी रेगिस्तान में जाकर आए हैं, पहले तो वहां पर गए नहीं। बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। मान लीजिए अमेरिका से व्यक्ति कोई डायरेक्ट राजस्थान में उतरे, रण प्रदेश में, और राजस्थान में उतर कर बाद में वहां से अमेरिका चला जाए और कहे कि भारत में तो कुछ है ही नहीं, केवल रण ही रण है। अरे उस मूर्ख ने देखा नहीं है तो क्या नहीं है? शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कहता है कि संसार में कई अनेक अनेक लोक हैं, 14 लोक जो भगवान विष्णु की नाभि कमल से जो कमल निकला उस डंडी में है, और उस 14 लोकों के साथ लोक उपलोक परलोक कई सारे लोक हैं। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अन्य लोक लोकांतर का वर्णन किए, सूर्य चंद्र तारे, और उस लोक लोकांतर में रहने वाले जीवों का वर्णन किए। जब सुखदेव गोस्वामी लोक लोकांतर का वर्णन किए तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हे महाराज, परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं, महर्षि एतद् वैचित्र्यं लोकस्यं कथम इति। हे सुखदेव गोस्वामी, इस संसार में सभी जीव भगवान के अंश हैं, तो इस संसार में यह जीव कुछ लोग ऊपर के लोकों में, कुछ लोग नीचे के लोकों में, कुछ लोग आजू बाजू, ये जीव की विचित्र विचित्र गतियां क्यों हैं? हमें भी कभी कभार प्रश्न होता है कि संसार में सब लोग की गति विचित्र क्यों है। गतिकार जानते हैं, मैं आपको एक दृष्टांत दूं कि एक व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक हाथ गाड़ी चलाता है, एक व्यक्ति पूरा दिन हाथ गाड़ी चलाता है, शाम को उसे केवल 200 रुपए मिलते हैं, और एक व्यक्ति केवल एक फोन करता है तो एक फोन करने में उसे 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, है कि नहीं? एक व्यक्ति पूरा दिन मेहनत करता है तो उसे केवल 200 रुपए मिलते हैं, और एक व्यक्ति एक फोन करके 2 लाख रुपए कमा लेते हैं, ऐसा क्यों? और एक दर्शन आपको दूं, एक व्यक्ति का जन्म किसी झोपड़ी में किसी गरीब परिवार में होता है जिसको खाने के भी वांदे हैं, परंतु एक बालक का जन्म धीरूभाई आंबानी के घर पर होता है। सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, बेचारे वह बालक का क्या दोष, जन्म से ही भिखारी बना रोडपति और वह जन्म से करोड़पति। महर्षि एतद् वैचित्र्यम्, ऐसी विचित्रता क्यों है संसार में? भगवान यदि सबके पुत्र है, भगवान सबके पिता है, तो एक पिता की दृष्टि सभी पुत्रों के प्रति सम होती है। गीता में भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, और आप देखो साधारण पिता भी, मान लीजिए साधारण पिता के 5 बालक हो, उसमें से यदि कोई एक ज्ञानी हो और कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, लूला हो, लेकिन पिता का प्रेम सबकी ओर समान होता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, सबको समान चीज बांटता है। तो महर्षि, हे महर्षि, हे सुखदेव गोस्वामी, इस संसार में सब लोग भगवान के अंश है, तो सबको अलग अलग गति क्यों है?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जिज्ञासा है, प्रभु इसका मुझे उत्तर दीजिए। तब परीक्षित महाराज उत्तर देते हैं, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि हे परीक्षित, त्रिगुण यात्व कर्तु श्रद्धया कर्म गतय पृथक विद्या सर्व एव सर्वस्य तारतम येन भवन्ति। हे परीक्षित, ये विचित्र गति इसलिए है क्योंकि सब लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्म के कारण, कर्म के फल वश इस संसार में सबकी अलग अलग गति है। कर्म का सिद्धांत प्रकट किए सुखदेव गोस्वामी। कर्म का अर्थ बिल्कुल सीधा है, कर्म का अर्थ है कार्य। शास्त्र में कर्म कहते हैं और हमारी भाषा में उसे कार्य कहते हैं। और कार्य के बारे में थोड़ा जानना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में भी कहा गया है और आज के वैज्ञानिक भी यह साबित करते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि एवरी एक्शन, प्रति कार्य की, सभी कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है, सभी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर एक पत्थर आपके हाथ में है, यदि वह पत्थर को आप ऊपर फेंकते हो तो जितना ऊपर फेंकते हो उतना वो नीचे आएगा। आपके हाथ में बॉल है, उस बॉल को जितना जोर से दीवार को मारोगे उतना जोर से रिपीट आएगा। आपने कार्य किया बॉल को फेंकने का, तो वह बॉल उसकी प्रतिक्रिया दिखाएगा, वो वापस आएगा। तो प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार है परीक्षित, प्रत्येक कर्म का फल सबको भोगतना ही पड़ता है। हम यदि बुरा कर्म करते हैं तो उस बुरे कर्म का फल हमें आने वाले समय में भोगतना होगा, चाहे तुरंत, चाहे एक घंटे के बाद, चाहे एक साल के बाद, चाहे एक जन्म के बाद, भोगतना ही होगा। जैसे बॉल फेंका है तो वो वापस आता ही है, वैसे हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें मिलता ही है, न चाहते हुए भी भोगतना पड़ेगा। और यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो बुरा मिलेगा। तो अभी एक प्रश्न होता है, तो फिलहाल हम जो दुख भोगत रहे हैं वो क्या है? तो इसे इस प्रकार से समझिए कि पिछले जन्मों में आगे हमने जो गलत काम किया है उस गलत काम का फल ही दुख के रूप में प्रकट हो रहा है। वर्तमान में हम जो दुखी हैं वो भूतकाल के कर्म का फल है। अब दो चीज हो सकती है, वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं या तो वो भूतकाल के कर्म का फल है, या तो हम कोई नया कार्य कर रहे हैं जिसका फल आगे मिलेगा। कल ही एक व्यक्ति हमें पूछ रहे थे, इस बात को हम बता रहे थे, जीवन में दो चीज है, हम जो कार्य कर रहे हैं या तो अगले जन्म के कर्म का फल वो भोगत रहे हैं, या तो हम एक नया कार्य बांध रहे हैं जिसका फल आगे मिलेगा। अब कौन से कार्य का क्या फल है, तो भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, ये कोई नहीं जान सकता है मेरे अलावा। कौन से कार्य का फल क्या है और कभी कौन भोगता है, भगवान कहते हैं कि किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस बात को नहीं समझ सकते, परंतु फिर भी कर्मणो अपि बोधव्यम, फिर भी कर्म की गति को सबको जानना चाहिए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। विकर्म का अर्थ होता है भगवान के नियम के अनुसार शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है तो उस कार्य को विकर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चोरी करना, मांसाहार, जुआ इत्यादि। और कर्म का अर्थ होता है नैतिक कर्म, हम जो साधारण कर्म करते हैं उसे, जैसे सुबह उठकर स्नान करना, ब्रश करना। और कर्म का दूसरा अर्थ होता है पुण्य कर्म। पुण्य का अर्थ होता है किसी को दान देना, किसी हॉस्पिटल में दान देना, किसी अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा देना, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर देना, किसी को विद्या दान करना, इसे पुण्य कर्म कहते हैं। तो एक है विकर्म,
एक है कर्म और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है कि भगवान ने जो नियम दिए हैं उस नियम के अनुसार भगवान को संतुष्ट करना। देखिए, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य होता है उसे अकर्म कहते हैं। और इस कर्म की गति को समझाते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि कोई अकर्म करता है अर्थात मेरी भक्ति करता है तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति, गच्छन्ति जाएगा कहां, ऊर्ध्वं मेरे धाम में। और यदि कोई पुण्य करता है, मान लीजिए किसी को दान देता है, पुण्य कमाता है, तो ऊर्ध्वम, इतनी ऊर्ध्वम गति नहीं जाएगा परंतु स्वर्ग लोक तक जाएगा, स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर उसे आना पड़ेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी नहीं करता है, बुरा कार्य भी नहीं करता है, तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, वह रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत विचारणीय श्लोक है। इस श्लोक में भगवान तीन बार गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ है जाना, गच्छ का अर्थ है जाना, गच्छन्ति अर्थात जाएगा जाएगा जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जाएगा मतलब जाना निश्चित है, ऐसा नहीं है कि कोई रह जाएगा। भगवान तीन बार कह रहे हैं कि गच्छन्ति 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 अर्थात जाना पड़ेगा। अब जाना ही है तो क्यों ना अच्छी जगह पर जाए। मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, कह दिया जाए कि आपको खाली करना है, तो कोई भी व्यक्ति अब जिस घर में रह रहा है उससे अच्छा घर ही ढूंढेगा। उसकी इच्छा हो सकती है कि मैं झोंपड़ी में जाऊं रहने के लिए। जाना ही है तो अच्छी जगह पर जाना चाहिए। और भगवान जगह दिखा रहे हैं, यदि कोई अकर्म करता है तो मेरे धाम में आता है, कर्म करता है तो यहीं पर रह जाता है, और यदि कोई विकर्म करता है, मेरे नियम के विरुद्ध चलता है, मेरे शास्त्र में बताए गए निर्देशानुसार नहीं चलता है, पाप करता है, जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, अर्जुन वह अधो नीचे के लोक में अर्थात वह नरक लोक में जाता है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा कि पाप करने वाले नरक में जाते हैं। अच्छा, परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई नरक में जाते हैं, तो परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं नरका नाम भगवान, हे प्रभु हे भगवंत, ये जो आप नरक शब्द बोले किम देश विशेषा, ये नरक है क्या, ये कोई देश है, ये कोई जगह है। नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्री लोकिया, ये नरक इस ब्रह्मांड में है, इस पृथ्वी में है कि इस ब्रह्मांड के बाहर है, आहो स्वित अंतराल इति, ये नरक है क्या, नरक के बारे में मुझे बताओ, नरक के बारे में विस्तृत रूप में मुझे वर्णन करो, ये नरक चीज क्या है। क्योंकि ऊपर के लोकों में जाएंगे वो दूसरी बात है, इस संसार में पाप करने वाले ज्यादा है, मैं जानना चाहता हूं कि कौन पाप करने वाला किस नरक में जाएगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, नरक एक बहुत भयावह जगह है। इस संसार में प्रायः स्वर्ग और नरक का नाम सुनते हैं, उपदेश भी दिया जाता है, परंतु लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं पर है, जो भी भोगतना है यहीं पर भोगतना है। परंतु आप कल्पना तो करो, पृथ्वी बनाई भगवान ने, सूर्य बनाया भगवान ने, चंद्र तारे नदी सरोवर सब कुछ बनाया उसने, भगवान ने इतनी सुंदर चीज बनाई, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। आप देखो इस संसार की एक छोटी सी गवर्नमेंट एक शहर बनाती है तो शहर में एक जेल विभाग रखती है, रखती है कि नहीं, संसार की छोटी सी गवर्नमेंट एक जेल विभाग रखती है अपने शहर में, ताकि गवर्नमेंट के नियम को कोई कानून को तोड़े तो उसमें जेल में बंद कर दिया जाए। एक छोटी सी गवर्नमेंट छोटा सा शहर बनाने के बीच में जेल रखती है, तो गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट, भगवान ने जब यह संसार बनाया तो भगवान का नियम तोड़ने वाले के लिए जेल नहीं बनाया होगा, अवश्य बनाया है। और भगवान की जेल को नरक कहते हैं,
परीक्षित इस नरक में कौन जाते हैं? कहते नरक का नाम ही इसकी व्याख्या है, नरक। मनुष्य योनि के बाद ही व्यक्ति नरक में जाता है, प्राणियों के लिए नरक में जगह नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता है, केवल पापा काम करते हैं, तो वह नरक, नर के बाद ही, नर मनुष्य योनि के बाद ही व्यक्ति नरक में जाता है। क्योंकि मनुष्य के पास विशेष बुद्धि है, विशेष मेधा है, जिज्ञासा करने की शक्ति है। यदि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह नरक का भागी होता है। परीक्षित महाराज कहे किस प्रकार से यह नरक में ले जाया जाता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो लोग पाप करते हैं, भगवान के नियम के विरुद्ध चलते हैं, ऐसे लोगों को कि जब मृत्यु आती है तो मृत्यु में उसे लेने के लिए नरक के एक देवता है जिसे यमराज कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वैवस्वतम सूर्य देव के पुत्र यमराज जी नरक लोक के हेड है, राजा है, राजा। और यह नरक कहां पर है? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अंतराल एव, इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे, अतल वितल तलातल पाताल रसातल और नीचे गर्भोदक सागर है। गर्भोदक सागर के ऊपर रसातल के नीचे दक्षिण की बाजू में यह नरक लोक है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। पृथ्वी के नीचे दक्षिणी छोर में गर्भोदक समुद्र के ऊपर यह नरक लोक है। यह नरक लोक का विस्तार कितना है? हे परीक्षित, यह नरक पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। आज यहाँ की जेल तो बहुत छोटी होती है, परंतु नरक पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। और यहाँ के राजा यमराज है, और बिल्कुल इस नरक के बाजू में, दक्षिण की बाजू में थोड़े ऊपर पितृलोक है, और यह पितृलोक यमराज की ऑफिस है। बिल्कुल क्लियर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप करके जब अंतिम समय उसका आता है, तो यमराज जी अपने दूत को भेजते हैं। यमराज जी के दूत हैं, उसे यमदूत कहते हैं। यमदूत सपास हस्तान तीन दृष्टवा, आगे आएगा, अपने हाथ में यम पाश लेकर, रस्सी लेकर आते हैं और उस मरने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती खींच कर निकाल लेते हैं। जबरदस्ती वहां से लेकर जाते हैं, और वहां इस पृथ्वी से यमराज का जो पितृलोक है, यहां से पितृलोक 99,000 योजन दूर है। 99,000 योजन यहां से पितृलोक दूर है। तो यमराज के तीन दूत यहां के एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और पकड़कर जबरदस्ती मारते हुए, घसीटते हुए, नंगे पांव दौड़ाते हुए जाते हैं। और 99,000 योजन उसे बहुत कम दिनों में तय करना होता है। उसे भगाते हैं, दौड़ाते हैं, डंडे मारते हैं, पीटते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, परंतु भोजन और पानी नहीं दिया जाता। पाप करने वाले की बहुत दुर्दशा होती है। गरुड़ पुराण में बहुत भयावह वर्णन है, गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से है, भागवत में भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भयंकर भयंकर यातना। अब यातना शुरू नहीं हुई है, रास्ते में ही यह हालत होती है। इतना मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उसकी अंतिम क्रिया करता है, पिंडदान करता है, तो वह रास्ते में जो यातना मिलती है वह थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी कम, बंद नहीं, फूल यात्रा दी जाती है। उसे तड़पाया जाता है, दुखी किया जाता है, मूर्छित किया जाता है, और मूर्छित होने पर उसे घसीटते हैं, दौड़ाते हैं, पीटते हैं, और बहुत कम समय में पितृलोक में उसे लेकर जाते हैं। पितृलोक के राजा यमराज जी अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, उसे कटेरे में खड़ा किया जाता है। यमराज जी के कई सारे चित्रगुप्त हैं, जो इस संसार के सभी लोगों के कर्म का हिसाब किताब लेखी जोखी रखते हैं। तो उस यमपुरी में यमराज जी कहते हैं कि बताओ इस जीव ने क्या क्या पाप किए हैं। चित्रगुप्त उस जीव ने अपने जीवन में जो जो पाप किया है वह सब कुछ कहते हैं उनके सामने। उस जीव को शर्म आती है कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है। सब पाप वहां पर गिनाते हैं,
और अंत में यमराज जी उस जीव को सजा सुनवाते हैं। जैसी जैसा उसने पाप किया है वैसी उसे सजा मिलती है और सजा देने के लिए उस जीव को शुद्ध करने के लिए उसे पितृलोक ऑफिस से बाद में उस कारखाने में भेजा जाता है। वहां पर जीव को शुद्ध करते हैं और वो कारखाना नरक है। और यमराज जी की फैक्ट्री बहुत बड़ी है और इस फैक्ट्री में बहुत डिपार्टमेंट है। 28 डिपार्टमेंट का वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी करेंगे। सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरक का वर्णन महाराज परीक्षित को करेंगे और ये नरक का वर्णन समय हो चुका है, हम कल ही सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा तो इस प्रकार से अब देखिए कल बहुत अच्छी कथा आएगी। कौन व्यक्ति कैसा काम करता है और उस काम का उसे क्या फल मिलता है कल प्रकट होगा। तो ये कथा सुनने के लिए आइए और फिर बहुत सुंदर महाराज परीक्षित का अब जो अगला प्रश्न है